मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि नैनीताल के कैंची धाम में जाम से निजात के लिए बाईपास का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कैंची धाम के स्थापना दिवस पर वहां की तहसील का नाम भी कैंची धाम के नाम से करने की घोषणा की है। आज के दिन बाबा के यहाँ भक्तों का अपार मेला लगा होता है, अपार संख्या होती है, पूरे देश भर से भक्तगण आते हैं। उसको देखते हुए हमने पिछले दिनों घोषणा करी थी कि रातीघाट से सैनिटेरियम तक बाईपास बनाया जाएगा। अगले एक वर्ष के अंदर हमारा प्रयास होगा कि ये सड़क का काम पूरा हो जाए। इसके साथ साथ एक अंदर जो दूसरा रास्ता है वह भी हम देख रहे हैं कि जिससे कि वहां पर जो जाम और पार्किंग की समस्या होती है उस समस्या से निजात मिले। साथ ही जन भावनाओं और नीम करोली महाराज के श्रद्धालुओं की आशाओं को पूरा करने के लिए तहसील जो कोसिया कोटोली है उसका नाम भी तहसील श्री कैंची धाम होगा। वहीं कैंची धाम में आज धाम के स्थापना दिवस पर मेला आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी श्रद्धालुओं ने भाग लिया। बाबा नीम करौली के दर्शनों के लिए भक्तों को लंबी लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ा। नैनीताल के एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि धाम में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहां पुलिस बल का पुख्ता इंतजाम किया गया है। तीन कंपनी पीएसी लगाई गई है, उसके अलावा 5 हॉक लगाए गए हैं ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए, 6 सीओ लगाए गए हैं और 2 एडिशनल एसपी लगाए गए हैं। इसमें 300 से ज़्यादा कांस्टेबल लगाए गए हैं और 10 इंस्पेक्टर इसमें ड्यूटी पे लगाए गए हैं। इसलिए हर जगह पे 2 शिफ्टों पे ड्यूटी दी जा रही है और भारी संख्या में फोर्स को देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुरक्षित यात्रा सबके लिए रहेगी। आपको बता दें कि बाबा नीम करौली ने आज ही के दिन कैंची धाम की स्थापना की थी। बाबा नीम करौली के भक्तों का कहना है कि वो लोगों की सेवा भी करते हैं ताकि बाबा द्वारा बताए गए सेवा के भाव को अपने जीवन में उतार सकें। In the United States, I was listening to Ram Dass speak, and then a friend of mine gave me a book, Miracle of Love, and I was reading that book, and then I started seeing him in everything, and I was meditating, he came down into my heart and showed me that I am loved. बाबा जी हमारे गुरुदेव हैं और हम यहाँ हर साल ही आते हैं और भंडारा है तो आज तो आना बनता ही है।